बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 422 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। उन्होंने भूमि पूजन कर इस कार्य की आरंभ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वे सदा प्रयासशील रहे हैं, राज्य के विकास के लिए लगातार वे तत्पर रहे हैं और तत्परता के साथ काम हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान के कारगिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजद नेताओं के जमीन मांगे जाने की बात को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया है, देखिए क्या कहा। कार्यालय की जमीन मांगने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से आग्रह है कि जमीन की मांग वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों से करें। इधर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा कि बाढ़ को लेकर सर्वे कराई जा रही है, रिपोर्ट मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाया और झाझा नदियों में आई उफान से दर्जनों घरों में बाढ़ की पानी प्रवेश कर गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बाढ़ पीड़ितों को राहत मुहैया नहीं कराए जाने के सवाल पर कहा कि स्थानीय अधिकारी को राहत मुहैया करनी चाहिए। इस जवाब पर जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा और कहा कि अधिकारी का कहना है कि इसका कोई फंड उन्हें नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि फंड नहीं है तो उन्हें वरीय अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए। श्री कुशवाहा शनिवार को मुजफ्फरपुर से पटना लौटने के दौरान वैशाली के गुरौल के महमदपुर गांव में जेडीयू जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष त्रिविक्रम सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कई जगह सर्वेक्षण किया है, अधिकारी को भी निर्देशित किया है, आकलन हो रहा है, तात्कालिक तौर पे जो राहत संभव है राहत व्यवस्था हो रही है। उधर समस्तीपुर में मुखिया संघ के अध्यक्ष पर मजदूरों का पैसा गबन करने का आरोप लगा है। इस बात को लेकर मजदूरों ने नाराजगी जताई है, आज जमकर बवाल किया गया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड का यह मामला है। समस्या यह है जब माटी काटा 6 महीना साल भर मुखिया पैसा नहीं दिया है, सब पब्लिक मरता है, मगर हाथ प्यार दुखाया। इधर समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक महेश्वर प्रसाद हजारी ने डीएम शशांक शुभंकर के साथ कल्याणपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सुरमार ढाला एवं श्रीनाथ पारण ढाला के निकट उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, हालात को देखा सुना समझा। विधायक को बाढ़ प्रभावित लोगों ने बाढ़ राहत शिविर के साथ ही अन्य सरकारी सुविधा दिलाने का आग्रह किया। विधायक एवं डीएम ने इस दौरान लोगों को अविलंब सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। श्रीनाथ पारणढाला के निकट ग्रामीणों ने डीएम एवं विधायक से लदौरा से गंगौरा मुखपथ पर श्रीनाथ पारणढाला से कलौंजर मध्य विद्यालय तक सड़क ऊंचीकरण करने की भी मांग की। चौथे फेज की बाढ़ है, हम लोग चूँकि पानी चढ़ा है, हालांकि पिछले दो दिन से पानी स्थिर था, आज से घटने भी लगा है। जो बांध पे लोग हैं उनके लिए शौचालय चापाकल की व्यवस्था की गई थी, अभी लोगों ने बताया है कि वो और भी आवश्यकता है तो उसको हम लोग और व्यवस्था शौचालय चापाकल पशु चारा ये सब की करवा रहे हैं। रोहतास जिला के दरिहट थाना क्षेत्र के चैनपुर से खबर आई है जहां सोन नदी में नहाने के दौरान एक 45 वर्षीय शख्स की डूबने से मौत हो गई। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार पुत्र की मौत हुई है जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गया। यह खबर जमुई जिले के सिकंदराबाद मुख्य मार्ग से सामने आई है, खरगौर में यह हादसा हुई है। समस्तीपुर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा फिर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माली नगर पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठहरा सिमरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस क्रम में विद्यालय से इसकी शुरुआत की गई। उधर मोतिहारी में पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का उद्भेदन किया है। इस मामले में 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पिस्टल, मादक पदार्थ, 12 किलो चांदी, 3 गोली, टाटा टियागो कार समेत कई तरह की बरामदगी सामने आई है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी हुई है। घटना में 8 अपराध कर्मी शामिल, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। चांदी 12 किलो, देसी कट्टा 300 ग्राम। इस वक्त मोतिहारी से दूसरी खबर सामने आ रही है जहां मोतिहारी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बारी बारी से सभी ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि यह 5 मौत महज 1 सप्ताह के अंदर हुई है जिसमें 2 भाई बहन की मौत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सुबह दोनों के शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया, मुआवजे की मांग की गई। जो 2 डेड बॉडी है उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि आखिर डेथ का क्या कारण है और ऐसा कोई ऐसा बीमारी का लक्षण नहीं पता चल रहा है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के डिढवारा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृत किशोर वार्ड नंबर 9 के दरवी माझी का पुत्र बताया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर के गायघाट में आवास योजना के कार्यों की बीडीओ ने आज समीक्षा की। बीडीओ डॉक्टर बिमल कुमार सिंह ने आवास सहायकों तथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उधर बंदरा में बीडीओ प्रशांत कुमार ने घर घर जाकर आवास योजनाओं की प्रगति को खुद से देखा समझा। इस दौरान उन्होंने आवास नहीं बनाने वाले लोगों को जमकर हिदायत दी और कहा कि अगले 3 महीने के अंदर आवास पूर्ण नहीं किया जाएगा तो ऐसे मामले में कार्रवाई की जाएगी। मधेपुरा में सांसद दिनेश चंद्र यादव ने आज जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और समस्याओं के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस इलाके में जितने विकास के काम करेंगे सभी पर काम शुरू हो गया। भूमि विवाद में 80 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की खबर मधेपुरा से सामने आई है। पारिवारिक विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुमारखंड थाना क्षेत्र के श्रीनगर पंचायत के अंतर्गत लक्ष्मीपुर भगवती स्थान गांव की यह घटना बताई जा रही है। और उकर घर बगल में जो पार्टी घर बगल में हमरो घर वही जंग वही से दोनों मिलकर एक करकर तब रात में गोली लेकर मारल गए। रात में 2:30 पर मारलक